लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने से कांग्रेस पार्टी को मिर्ची नहीं लगी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने तो आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत किया है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा मिर्ची किसी को लगी है तो वो है बरेली के मौलाना तौकीर रजक। तो उनको भारत रत्न इसलिए दिया जा रहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान में बंटवारे की राजनीति की, लोगों को नाराज करने और नफरतें फैलाने की राजनीति की। उनको अगर भारत रत्न दिया जाता है तो ये भारत रत्न का अपमान है। कांग्रेस पार्टी आडवाणी की विचारधारा की धुर विरोधी रही है, यहाँ तक कि आडवाणी की रथ यात्रा से अगर किसी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा तो वो पार्टी कांग्रेस ही है, क्योंकि रथ यात्रा से पूरे देश में राममय माहौल बना और इससे बीजेपी ना सिर्फ सत्ता के करीब पहुंची बल्कि उसने सत्ता के सिंहासन पर कब्जा भी जमा लिया। फिर भी जयराम रमेश ने आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत करना ही सही समझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के बाद एक्स पर एक टिप्पणी की, उसमें एक बात साफ साफ लिखी गई कि देश के सांस्कृतिक मुद्दों पर उनका योगदान अतुलनीय है। आडवाणी को भारत रत्न क्यों दिया गया, इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। राजनीति के उस दौर में कांग्रेस पार्टी समेत देश भर के अंदर स्वर्ण राजनीति का वर्चस्व रहा था और हमेशा से ही अपर कास्ट वाले मुख्यमंत्री चुने जाते थे। उस दौरान आडवाणी ने बीजेपी के ओबीसी नेताओं को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि बीजेपी को ब्राह्मण बनिया वाली छवि से भी बाहर निकालने में बड़ा योगदान दिया है। देश के एक बड़े ओबीसी वर्ग को राजनीतिक सत्ता दिलवाने में आडवाणी का एक अहम रोल माना जा सकता है, लेकिन तौकीर रजा की सुई 6 दिसंबर पर ही अटक गई और तौकीर रजा को लगता है कि आडवाणी का सिर्फ एक ही योगदान है और वो है मंदिर मस्जिद विवाद और रथ यात्रा। जो आज राजनीति चल रही है, नफरतों का बाजार गर्म है, बेईमानी, नाइंसाफी, लालच, खुदगर्जी, ये तमाम चीज़ें जो आज राइज हो गई हैं, भुखमरी, बेकारी, बेरोजगारी, इन सब के लिए अगर सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो वो लाल कृष्ण आडवाणी है। और अगर इस वजह से उनको भारत रत्न अवार्ड दिया जा रहा है तो ये बड़ी खुशी की बात है, उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। इंडी गठबंधन के तमाम राजनीतिक दल आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर भी कोई एक राय नहीं बना पाए। जयराम रमेश आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इसलिए आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक रुख माना जाएगा। लेकिन लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल ने खुले तौर पर आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का विरोध कर दिया है। आरजेडी के सांसद और वरिष्ठ नेता मनोज झा ने खुलकर आडवाणी की आलोचना की है और ये कहा है कि आडवाणी का एक योगदान है मंदिर मस्जिद के विवाद में देश के 40 सालों को बर्बाद करना। इस देश के 40 बरस तकरीबन 40 इयर्स, 4 दशक उस विवाद में गए हैं। हमने अपनी ऊर्जा उस विवाद में खोई है जिसके जनक थे आडवाणी जी। वो लालू यादव थे जिन्होंने साल 1990 में बिहार के समस्तीपुर से रथ यात्रा निकाल रहे आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था। आज 34 साल बाद भी आडवाणी को लेकर आरजेडी का स्टैंड बदला नहीं है। बिहार में यादव मुस्लिम समीकरण में महारत हासिल रखने वाले लालू प्रसाद यादव की तरह ही मुस्लिम कट्टरपंथी नेता तौकीर रजा भी अपना स्टैंड बदलने को तैयार नहीं है। तौकीर रजा लगातार कई मुद्दों पर भड़काऊ बयान देते रहे हैं और अब आडवाणी को भारत रत्न के मुद्दे पर भी तौकीर रजा ने ये बयान दिया है कि अगर मुस्लिम नौजवान बेकाबू हो गए तो देश में खाना जंगी छिड़ जाएगी। कि अपने देश प्रेम की वजह से हम सब्र कर रहे हैं, सब्र का पैमाना लबरेज आप लोग कर रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में दंगे फसाद का माहौल बन जाए, खाना जंगी का माहौल बन जाए। सिर्फ मुसलमानों के सब्र की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है। मुझे अंदेशा है कि हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता।